क्वेश्चन नंबर फाइव एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज हंड्रेड डिग्री एंड इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है ए बी सी इसमें ए सी डी एक्सटीरियर एंगल है हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंगल ए की वैल्यू बताइए एंगल बी और एंगल सी और क्वेश्चन में गिवन है कि हमें एक्सटीरियर एंगल यानी कि ए सी डी हंड्रेड डिग्री दे रखा है और एंगल ए और बी दोनों इक्वल दे रखे हैं अगर एंगल ए एक्स डिग्री का है तो एंगल बी भी कितना है एक्स डिग्री तो लैंग्वेज समझिए कैसे लिखना है आप कहेंगे सॉल्यूशन आप कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ठीक है तो एंगल ए सी डी इक्वल होगा एक्स प्लस एक्स यानी कि इन दोनों के सम के इक्वल एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के है ना और एसीडी की वैल्यू ए सी डी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हंड्रेड तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स क्वल टू हंड्रेड डिग्री तो x की वैल्यू क्या हो गई हंड्रेड डिवाइड बाई टू कट करोगे फिफ्टी आएगा तो x की वैल्यू आ गई फिफ्टी डिग्री यानी कि ये एंगल फिफ्टी डिग्री है और ये भी फिफ्टी डिग्री है अब बारी है ये एंगल निकालने की ठीक है तो आप जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू वन एट्टी डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल ट्राइंगल के तीनों एंगलों को एड करके वन एट्टी डिग्री आता है एंगल ए फिफ्टी है अभी निकाला प्लस एंगल बी भी फिफ्टी है प्लस एंगल सी जो हमें निकालना है इक्वल टू वन एट्टी दोनों को एड किया तो हंड्रेड डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू वन एट्टी डिग्री तो एंगल सी की वैल्यू वन एट्टी डिग्री माइनस हंड्रेड यानी कि एट्टी डिग्री तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई है एट्टी डिग्री तो यही हमारा आंसर है तो हमें एंगल ए भी पता चल गया बी भी और सी भी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर